राजगीर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पुल बना रहे हैं, लेकिन सीमांचल की तरफ वो देख भी नहीं रहे हैं। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के विकास के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। राजगीर की अगर बात करें तो राजगीर में वो ग्लास ब्रिज बना रहे हैं, लेकिन सीमांचल का 10 साल से एक पुराना पुल अभी तक बन ही रहा है। दरअसल हम आपको बता दें कि जो बयान है वो ओवैसी के बयान है, जहां एक तरफ 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है और 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो वहीं दूसरी तरफ जितने भी पार्टी के लोग हैं वो सीमांचल दौरे के लिए आते हैं, जहां पर अपनी हुंकार भरते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि सीमांचल को हम और भी ज़्यादा विकास की ओर ले जाएंगे, आप हमें वोट दें। फिर वह मुख्यमंत्री की सरकार यानी कि वहाँ गठबंधन की सरकार हो या फिर बीजेपी हो या फिर अन्य पार्टी हो, लगातार सीमांचल के दौरे पर नजर आते हैं। लेकिन सीमांचल की जो एक तस्वीर है उसको लेकर ओवैसी ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजगीर में पुल बनाते हैं, ग्लास ब्रिज बनाते हैं, लेकिन सीमांचल का एक जो पुल है वो 10 साल से आधा अधूरा ही पड़ा हुआ है। छोटे बच्चे हैं वो जवान हो गए हैं, जवान बुजुर्ग हो गए, लेकिन उस पुल की जो स्थिति है वो सिर्फ और सिर्फ पहले 10 साल पहले जो थी वो भी अभी भी है। आंखें बूढ़ी हो गई लेकिन पुल नहीं बना है, नाव चलते चलते जवान से बुजुर्ग हो गए हैं, मुझे पहले मेरे खानदान की कई पीढ़ियां यहीं काम करते हुए गुजर गई, जमाना बीत गया, यहाँ पुल नहीं बन सका। ये नदी पार कराने के लिए इंसान, जानवर और बाइक सभी को नाव का सहारा लेना पड़ता है। बाढ़ के समय में हालत क्या होते होंगे इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये दर्द है तजमुल हुसैन का। तजमुल की तरह ही सीमांचल के पूर्णिया में 100 से ज़्यादा गांव के ग्रामीण रोज़ाना इस दर्द से गुजरते हैं। कारण है कि सरकार और सरकारी सिस्टम की उदासीनता। यहाँ योजनाओं का शिलान्यास तो होता है लेकिन उसके उद्घाटन के इंतज़ार में दशकों बीत जाते हैं। ऐसे ही पुल की बात बिहार के सीमांचल में शुरू हो गई है। दरअसल बिहार के सीमांचल में पुल की सियासत शुरू हो गई है। AIMI के चीफ ओवैसी पिछले दिनों सीमांचल दौरे पर आए थे। इस दौरान वो अलग अलग अर्धनिर्मित पुलों को देखने पहुंचे। उन्होंने यहां कहा कि पटना में हर 5 किलोमीटर पर पुल बन रहे हैं, राजगीर में ग्लास ब्रिज बनाए जा रहे हैं और सीमांचल में 10 साल से एक ही पुल भी नहीं बन पा रहा है। जिस रसेली घाट पुल और खाड़ी घाट पुल से ओवैसी सरकार ने हमला बोला है, उसके बारे में जानकारी मिली है कि पूर्णिया शहर में लगभग 50 किलोमीटर दूर गेरिया गांव में ठीक परमान नदी बह रही है। यहाँ पानी के साथ बह रहा है 50 से 52 गांवों का सपना। आज़ादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी यहाँ के लोगों को नदी को पार करने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है। एक नाव के सहारे 29 पंचायत में 50 से 52 गांव के लोगों की जिंदगी चल रही है। ये रोज अपनी रोजमर्रा के काम के लिए नाव में इसे पार से उस पार होते हैं। नाव के मालिक कहते हैं कि जिस दिन नाव का परिचालन नहीं होता है लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो जाता है, बीमार का इलाज नहीं हो पाता है, बच्चों की पढ़ाई बंद हो जाती है। कस्बा गेरुआ रोड पर 2013 के रसौली घाट पुल का शिलान्यास हुआ था, उस दौरान लोगों के दिल में आज जगी थी कि अब उनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। पुल में कुल 7 स्पैन यानी कि पुल के 2 पिलर के बीच की दूरी बनने थे। 10 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक मात्र 5 स्पैन का काम पूरा हो चुका है। शिलान्यास के दौरान इस पुल के निर्माण के लिए 8 करोड़ का बजट पास किया गया था। इसका निर्माण कब होगा, कितना होगा और इसका जवाब किसके पास है कोई नहीं जानता। ये पुल पूर्णिया के 2 प्रखंड रोहटा और कस्बा के 50 से ज़्यादा गांव को जोड़ता है। इसके बन जाने से प्रखंड मुख्यालय की दूरी कम होगी, पूर्णिया पहुंचने का रास्ता भी आसान होगा। यहां के लोग सीधे अमौर के रास्ते पूर्णिया जा सकेंगे। इसके दूरी 50 से 20 किलोमीटर रह जाएगी, जबकि अभी इन्हें हाईवे से घूमकर लगभग 50 से 55 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है।
तो आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ओवैसी जो हैं सीमांचल दौरे पर गए थे, और सीमांचल दौरे पर जाने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ये सवाल किया था कि आप जहां पटना के हर 5 किलोमीटर की दूरी पर पुल बनाते हैं, राजगीर में ग्लास ब्रिज बनाते हैं, लेकिन आप कभी सीमांचल का भी तो हाल देख लीजिए कि जो 10 साल से पुल का टेंडर पास हुआ है वो पुल कहाँ है और कितनी बनी है, सीमांचल के लोगों को कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ती है, अगर उनका नाव ना चले तो वो लोग अपने किसी काम के लिए जा नहीं पाएंगे। ओवैसी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर ये भी बोला है कि जब वोटिंग के लिए रहती है, जब जनता के वोट की ज़रूरत पड़ती है, तो आप सीमांचल दौरे आते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें बोलते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जब विकास की बात आती है तो देख लीजिए विकास सीमांचल का कहाँ है और इसका जवाब कौन देगा। और भी न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें न्यूज़ फाउंडेशन।